सो आज है लास्ट डे ऑफ दी PL नेक्स्ट जेन कप, दैट मीन्स कि आज होने वाले हैं फाइनल्स। हमारी इंडिया की टीम्स खेल रही हैं ऑलरेडी, एंड ऑल ऑफ दीज टीम्स विल बी प्लेइंग टुडे। आज अभी दो मैचेस चल रहे हैं मेरे सामने, एक है मुथूट का और एक है ईस्ट बंगाल का। ईस्ट बंगाल ऑलरेडी 1-0 डाउन है, मुथूट ने फाइनली एक गोल स्कोर किया है, तो करंट स्कोर लाइन इनकी 2-1 है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार है, मेक श्योर करिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन, ट्राई टू चीयर अप बॉयज इन UK। पीस अगेन, काफी डीप, कीपर, ओ नहीं नहीं नहीं, ओ भाई नहीं यार, नहीं यार। सो बेसिकली थोड़ा सा गोलकीपिंग एरर वहां पे, पंच करते टाइम काफी सामने पंच कर दिया, ऊपर क्लियर कर सकता था। वो देयर इज अ गोल थ्रू द कॉर्नर, भाई भाई काफी अच्छी सेट पीस थी, सीधे डायरेक्टेड ऑन द लैड्स हेड, बंदे ने राइज अप किया, हेडर लगाया कीपर के हाथों पे बॉल, बट देन नॉट स्ट्रांग इनफ, क्रिप्स टू द गोल। तो ऑल दो एक्साइटिंग खेल रहे थे यहाँ पे मुथूट, दे डिड क्रिएट सम चांसेस, बट भाई क्वालिटी तो उधर है यार काफ़ी। ये इस बंगाली टीम में ना दो तीन प्लेयर्स हैं ना टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे कि पेका काफ़ी टॉप है, गुरनाज काफ़ी टॉप प्लेयर है, ठीक है, बल्बैक स्पेन थाईलैंड जर्मनी इन सबका एक्सपीरियंस गुरनाज के पास है, पेका भी काफ़ी टॉप प्लेयर है, सेन इनके पास है जो राइजिंग प्रॉस्पेक्ट है बंगाल में। आप बंगाल से हो तो आप सेन के बारे में डेफिनेटली सुने होंगे, दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स, बट आई थिंक द टीम नीड्स टू बी स्ट्रॉगर, द टीम एज अ कलेक्टिव नीड्स टू बी स्ट्रॉगर भाई, डिफेंसिवली दे आर वेरी वेरी पुअर भाई। उधर ऑन द अदर हैंड मुथूट भाई चौथा गोल खा गया अपना, एवर्टन स्मोक कर रही है, चलो भाई चलो भाई डिफेंडिंग करेंगे ब्रो। अबे भाई पे भाई फक ब्रो, भाई प्लेयर्स डिसअपॉइंटेड हैं एक दूसरे से यार, लुक एट दैट। स्कोर अपडेट, इधर ईस्ट बंगाल पे चौथा गोल पड़ चुका है, स्कोर लाइन है 4, एवर्टन मुथूट इज 5-1, उधर 4-0 है, इधर 5-1 है, 9 गोल खा गए हम लोग अभी, हाफ टाइम नहीं हुआ है, सो यार नॉट गोइंग वेरी गुड। वो ब्रो इट्स अनदर गोल मैन, इट्स लाइक 6-0, वेरी ईजी टू ब्रेक द डिफेंस। एक बॉल जाती है पीछे, प्लेयर आता है, टर्न करता है, टेक्स टच, इंजन बरीज इट ऑफ द टॉप पोस्ट, वुडवर्क से लग के अंदर सीधे। सो ईस्ट बंगाल के बैक टू बैक दो मैचेस में दे हैव कंसीडर्ड 12 गोल्स एंड इट्स नॉट इवन फुल टाइम ओवर हियर। इधर मुथूट का भी सेम सीन है, इधर भी उन्होंने काफ़ी गोल खा रखे हैं, 5-1 हो रखा है, एंड हैज अनदर चांस, और भाई बिग सेव फ्रॉम द कीपर। ऑलराइट बॉयज, चलो भाई ठीक है, एक गोल हमने स्कोर किया है यहाँ पे, दैट वाज अ गुड फिनिश, गुड गोल, ओ नाइस चांस, गेम डन एंड डस्टेड। इस टीम ने 6 गोल खाए हैं, मुथूट ने, ईस्ट बंगाल ने 7 गोल खाए हैं, बढ़िया, इट्स अ गुड थिंग कि हमने चलो एक एक गोल तो मारा तो, बट दैट्स दैट बॉयज। अभी एक लास्ट गेम और बचा हुआ है जहाँ पे पंजाब खेलने वाली है एस्टन विला के अगेंस्ट, दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी वेरी टफ गेम, तो देखते हैं क्या होता है। और फाइनल होगा जो कि यहाँ पे PL नेक्स्ट जेन कप का होगा, वो होगा स्टेलनबॉश जो कि साउथ अफ्रीकन टीम है अगेंस्ट स्पर्स, सो स्टिक अलोंग। सो गाइस हियर वी हैव काय रीस फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द बिग विन, हाउ आर यू फीलिंग? Yeah, I'm feeling good. It's been a long tournament. Just looking forward to what's to come. All right. So I just need to ask you this basic question: at what age did you start to play football? Like 5-6 years old. 5-6 years. Have you ever been at Crystal Palace from the beginning? Yeah, I've been at Crystal Palace for over a decade now. Wow. So yeah, I've been in the club for a long time. How was today's game, and how has been the experience playing against the Indian teams? I think it's been today's game was really good. It was good to play against teams from the other side of the world, so you know it's a different gameplay. But I think this tournament's been good. You know, obviously we didn't get the win yesterday, yeah. So we didn't go in the final. But overall, it's been a good tournament. Yeah. So ये है अपनी पंजाब की टीम जो कि खेल रही है एस्टन विला के अगेंस्ट। पहले दोनों मैचेस हो चुके हैं, अच्छा स्कोर नहीं था, जो अब होप बची है वो बची है सिर्फ पंजाब से। पिछले मैच में 2-1 के विन थी अगेंस्ट एवर्टन, वी होप दैट इस मैच में अगेंस्ट एस्टन विला जो कि काफ़ी टफ टीम होगी, एक रिजल्ट हम ला पाएँ। यहाँ पे डोडुम आप देख सकते हैं पीछे, किपजिन भी आपको दिख रहे हैं पिछले मैच में गोल स्कोरर, कोच अपने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देते हुए। शूट लेंगे और पंजाब का बिल्डअप देखो फ्रॉम द बैक, बहुत बढ़िया है कंपोजर के साथ, बढ़िया बिटवीन द लाइंस खेला है, बॉल जा चुकी वाइड एरिया पे, इजी इजी बॉयज, गुड बॉल, दो
स्विच किया राइट पे, सुहेल शॉट, ओ नाइस नाइस नाइस, गुड गुड बॉयज, गुड गुड स्विच, गुड लैग्स, ग्रेट, केरला केरला करते हो, गुड टर्न, रेफ रेफ पेन, लेट्स गो, अमेजिंग चांस, स्कोर्स, लेट्स गो, 1-0 शॉट, गुड 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 गुड, क्लियर, नाइस 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 गाइस, कम ऑन कम ऑन, बढ़िया 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 बढ़िया, यहाँ पे इंडिकेशन पास हो रहा है कि भाई क्या वो करने वाला है, वो डायरेक्टली मारने वाला है या फिर क्या करने वाला है, देखो डायरेक्टली उसने लिया, गुड या गुड गुड बॉयज, रिबाउंड नहीं, ओवर, बढ़िया नाइस गाइस, कैसे कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट बातें यहाँ पे करते हुए कम्युनिकेशन, यार मुझे को ये बहुत सही चीज लगी है पंजाब की, पता है पूरे टाइम यहाँ पे कोचेज असिस्टेंट कोच अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कहाँ जाना है कैसे आना है, एंड देयर यू गो भाई, हाफ टाइम, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, रिबाउंड के लिए गोल के सेंटर में, ठीक है सेंटर वाली लाइन में रिबाउंड के लिए, ए करीश और ऊपर जाओ, अंदर आओ अंदर आओ, ऊपर जाओ अंदर आओ और जाओ, ऐ साइड जाओ, वो भी जाना, ठीक है हां, ऑफ साइड नहीं, मार मार इसका सर का ऊपर से मार, ये बार पर छोड़ दिया, ये बार पर छोड़ दिया, मार, गुड गुड ट्राई, ठीक है भाई, जो इनका कम्युनिकेशन है ना, जो इनका कोऑर्डिनेशन है ना, मतलब लाइक स्टैंड आउट कर रहा है, एस्टन विला के अगेंस्ट दे आर एबल टू होल्ड देमसेल्फ अप, और कितने प्यार से दोनों कोचेज असिस्टेंट कोच एंड मेन कोच शंकर लाल सर जिस हिसाब से कम्युनिकेट करें अपने प्लेयर्स को ना, वो इन्फॉर्मेशन बड़े स्वीटली बड़े आराम से, ही जस्ट गिविंग देम द इन्फॉर्मेशन एंड प्लेयर्स आर जस्ट एडहेरिंग टू दैट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, यस यस यस, लेट्स गो बॉयज, ये गाइस 2-0 भाई, बेहतरीन बेहतरीन ब्रो, गोल किसने मारा, गोल किसने मारा, उमंग 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 भाई, असिस्ट असिस्ट परमवीर, अरे भाई साहब, टोल्ड यू अबाउट दिस गाय, गुड 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 बॉल, ओए भाई ऑन गो, ऑलमोस्ट ब्रो, लेट्स गो, putting them under pressure, almost own goal मार दिया था, best के आगे उन्होंने पेलो पेलो दबा के पेलो, बहुत सही आराम से, ओए on the ball था वैसे भाई, good tackle but यार that was a great chance, good save, very good, very good, भाई time जानना है सबको, time जानना है, 5 minutes अब से, 5 minutes extra time and everything, चलो बाद में आएगा but अभी 5 minutes बचे हैं, गुड गुड टीम, बढ़िया बहुत बढ़िया बॉयज, देयर यू गो विक्ट्री, यस बॉयज साहब, अमेजिंग यार, अमेजिंग फीट, अमेजिंग फीट, हाय बंदे हमारे यार, हार्ड वर्क काफी ज्यादा, अमेजिंग, देखो विनिंग टीम की तो एक सेल्फी बनती है, एक फोटो तो बनती है, राइट ये क्या फोटो सर, विनिंग फोटो सर, विनिंग फोटो, हाँ विनिंग फोटो, आपको भी आना है सर बीच में, बीच में, हाँ हाँ कोच, कम ऑन सर कोच, जाओ जाओ जाओ, हाँ कैसा लग रहा है विश भाई, जीत के मजा आ गया, फाइनली अचीव कर लिया जो टारगेट था, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक क्लीन शीट भी चाहिए, हाँ मेन क्लीन शीट है, बहुत चाहिए, जीतना है, अभी लास्ट गेम हम लोग जीते थे बट ये गेम थोड़ा अलग डिफरेंट था, मजा आया खेल के, बढ़िया यार बहुत बढ़िया भाई, एकदम जम के खेला यार, बहुत सही कैसा है ब्रो, ऑल गुड, हाँ बहुत बढ़िया खेला यार, बहुत बढ़िया खेला, टफ चैलेंज था ये, हाँ टफ था,
कैसे कैसे टीम को कंटेन किया? मैंने देखा पीछे से कमांड करते हो आप, ऐसे लीडर के तरीके से प्लेयर्स को कंटेन करते हो, क्या क्या जॉब होता है पीछे से डिफेंडर के तरीके खेलना? मतलब हम 3-4 साल से सभी टीम मतलब सेम टीम इकट्ठे खेल रहे हैं हम, तो कॉम्बिनेशन अच्छा हमारी टीम का। बहुत दिन हो गए थे प्रैक्टिस साथ में कि हम डिफेंसिव ज़्यादा खेल रहे थे, अभी कोच ने फिर ज्यादा अटैकिंग खिला तो अभी अच्छा हुआ परफॉर्मेंस। कितनी बड़ी विन है पंजाब के लिए, बैक टू बैक दूसरी विन है अगेंस्ट यूरोपियन क्लब्स, क्या क्या लगता है सर? देखो मतलब हम लोगों ने अच्छा ट्रेनिंग किया था है ना, सो आई थिंक थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर्स से प्रेशर ज़्यादा था, तो आई थिंक आफ्टर सेकंड गेम है ना थोड़ा सा चेंजेस भी किए हमने एंड हमारे लिए अच्छे वो लाइक इट वर्कड आउट फॉर अस। तो लेट्स से यंग है हमारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स अभी अंडर 16 है, अंडर 17 है, तो फॉर देम इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर इफ दे कैन कीप कमिंग बैक, बिकॉज वी कैन प्ले टिल अंडर 23, अंडर 21। सो आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स इफ वी कीप कंटिन्यूइंग दिस व्हाट वी आर डूइंग एट द क्लब, let's say we have a philosophy we are following, if we keep doing it I think we can grow as a club, we can grow as a team and we can individually grow as a players, as a coaches, so I think a great initiative from Premier League Next Gen. मैं आपके चेहरे पे स्माइल देख सकता हूँ और आपको मैं देखता हूँ यहाँ पे टचलाइन पे आप काफ़ी वोकल रहते हैं, प्लेयर्स को हमेशा अपने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ये हम रेगुलरली करते हैं पंजाब पे? या यही तो हमारा काम है जी सर। कोच तो टैक्टिकल के ऊपर भी तो ज़्यादा देखेगा क्योंकि ओपोनेंट कहाँ से मैन निकल रहा है, कहाँ से मैन भरा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, हमारा क्या गलती हो रहा है, उसको रेक्टिफिकेशन करता ही बोल के टीम खेलता है। अच्छा, क्लीन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? ये एक सिग्नल है हमारे देश के लिए, जो जो बहुत सा कभी होता भी समझता नहीं है, जो जितना बच्चे लोग एक्सपोजर ट्रिप करेगा जैसा RFDL थ्रू से कर रहा है, 3-4 मैच हुआ, परफॉर्मेंस डे बाई डे बढ़ते गया, तो इसका मतलब जितना खेलेगा बड़ा कंट्री से बड़ा क्लब से परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। क्या चेंजेस आपको लगता है कि इंस्टेंट इमिनेंट अभी करंट तुरंत हमें करने चाहिए भारत में? देखिए करंट जो तुरंत एक चीज़ हम ज़्यादा बोलेंगे, राइट पोजीशन में राइट आदमी को चाहिए। और हमारे हार्ड वर्किंग मेंबर्स कैसा लग रहा है भाई आपको विन के बाद? इट्स बीन अमेजिंग द जर्नी, नो द जर्नी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम दोज अर्ली डेज, आई मीन अ गेम एवरी 3 days एंड देन कमिंग हियर and then finishing third, yes. Especially against Premier League teams like, and that too beating Villa at their home ground. Oof. I know it's an amazing feeling. It's yes. Crazy. It's crazy. I can't really believe what's happening. Yes. I'm going to get these dates tattooed. I'm going to get these dates tattooed, bro. Yes. I mean, it's crazy. So boys, this is where the final of the tournament Stellenbosch is going on. Stellenbosch has scored. भाई ये टीम खतरनाक थी भाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आई टोल्ड यू गाइस Stellenbosch इज अ टीम टू बीट, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे ये, रनर्स अप आए थे ये, आज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली दे गोना ग्रैब दिस विन। भाई साहब बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है भाई Stellenbosch एंड मान अमेजिंग गेम साहब, व्हाट अ फिनिश मान, व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश ब्रो। Here we go. Bro, there you go. Full time whistle. Stellenbosch has done it. What an emotion for this team from South Africa. Check it out. England ke clubs ke against khelna and to go out and showcase your best of the best talents and to defeat these guys. Four clean sheets in about 5 games, boys. This is what we should be aiming for. And obviously, ये achievable है. इस बार पंजाब FC के साथ हमने third spot achieve किया है. Third spot. It's actually good for us. And यही चीज़ को if we can do this in continuation, हम हर साल करें और अच्छे तरीके से करें. हम अपनी academies को prep करें. Boys, come on, check these out. कुछ ऐसा special नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं है. Jeans हैं, trainings हैं. Yes, fitness है. But भाई dedication है, passion है, quality training है. Check this out. Yes. Can you hold it? Can you just hold it? Yeah, there you go. So boys, that is that from me. यहाँ पे इंग्लैंड में SPL Next Gen को कवर करते हुए कब तक समय बीत गया पता नहीं चल रहा है, 4-5 दिन कब गए पता नहीं चल रहा है, एंड दिस इज ऑफिशियली साइन ऑफ फ्रॉम ओवर हियर. वॉट एन इनक्रेडिबल स्टोरी दिस हैज़ बीन, बहुत अमेजिंग रहा है.
हमारी भारतीय टीम को देखना, कम्पीट करते हुए देखना, कुछ अच्छे रिजल्ट्स, थोड़े से ख़राब रिजल्ट्स, बट यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करना जो स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे प्रीमियर लीग के क्लब्स का और यहाँ पे स्टेलनबॉश का, दिस टेल्स यू कि हमें कितना आगे जाना है। बट यू नो व्हाट, जो परफॉर्मेंस हमारी आई है पर्टिकुलरली उससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। आई नो पंजाब हैज़ डन एब्सोल्युटली वेल, थर्ड पे फिनिश करना इट्स इनक्रेडिबल। मेरे को चाहिए यहाँ पे ये स्टेलनबॉश, तो ठीक है, कंग्रेचुलेशंस टू देम, बट आई वांट टू सी पंजाब, आई वांट टू सी मोहन बगान, आई वांट टू सी ईस्ट बंगाल, आई वांट टू सी मुंबई एंड एवरी अदर क्लब, जमशेदपुर, मुझे चाहिए मेरे सिटी के लखनऊ सिटी एफसी आए भाई, आई वांट देम टू बी ओवर हियर। तो एक डायनेमिक फुटबॉल कल्चर बनना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने प्लेयर्स को वैसे ग्रूम कर पाए। नेक्स्ट ईयर वील होप दैट वी कैन बी हियर अगेन, नेक्स्ट ईयर वील होप दैट दीज टीम्स कैन बी हियर अगेन। एंड भाई लोग, दैट्स ऑल यार, मिलता हूं मैं, तब तक ले टेक केयर एंड पीस आउट।